हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और आज की क्लास में हम लोग अपना जो चैप्टर इंडियन इकोनॉमी क्लास 12th का कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने उसमें एग्रीकल्चर टॉपिक देख लिया था और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज इंडस्ट्री। अब हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री की स्टार्टिंग से। इंडस्ट्री वर्ड की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इंडस्ट्री वर्ड का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्री एक एरिया होता है, एक प्लेस होती है, एक जगह है जहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम लोग रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में चेंज कर रहे हैं। किसी कच्चे माल को हम लोग लेके आए, वहाँ पे कच्चे माल पे हमने काम करना स्टार्ट किया, प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया और उसे बना के एक फिनिश्ड गुड में क्या कर दिया, तैयार कर दिया। तो ये तो होती है इंडस्ट्री। अब ये जो चैप्टर है ना, ये कब की बात कर रहा है आपको याद होगा, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब अभी क्या टाइम चल रहा है, हम ब्रिटिशर के अंडर है। ब्रिटिशर के अंडर वाले टाइम पे इंडस्ट्री की बात करनी है तो आपको पता होना चाहिए ब्रिटिशर के टाइम पे रूल पॉलिसी सब किसका चल रहा था, ब्रिटिशर का। हम पूरी तरीके से क्या थे, एक कॉलोनी थे, सब कुछ कौन चला रहा था, ब्रिटिशर चला रहे थे। तो इंडिया की एज अ ओन मैं बात करूँ तो इंडिया कोई बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश नहीं कर रहा था इंडस्ट्री के प्रस्पेक्टिव में। और हमें हमेशा से पता है कि हम लोग सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंडेंट है, हम लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में क्या सिचुएशन थी हमारी उस टाइम पे। उस टाइम पे हम लोग सिर्फ जो प्रोडक्शन करते थे ना, वो करते थे हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उस टाइम पे। अब सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड का क्या मतलब है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है रिडक्शन होना इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडस्ट्री लग रही है तो इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी काम है उसमें कमी आ जाना, ये क्या कहलाता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी क्यों हो रहा था, देखिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो था डिके इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अभी मैंने बताया हम लोग मोस्टली किस में एंगेज होते थे, हैंडीक्राफ्ट में। तो उस चीज़ का डिके मतलब वो चीज़ कम होने लगी थी। अभी हम रीजन देखते हैं कि ये क्यों कम हो रहा था, क्या कारण थे। दूसरा था ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लीक ग्रोथ का मतलब होता है वेरी स्लो। तो जो मॉडर्न इंडस्ट्री जो लगनी थी, जो काम होना चाहिए था, उसकी जो ग्रोथ अगर थी भी तो वो बहुत बहुत स्लो थी, नाम मात्र को थी। क्यों नाम मात्र को थी, पैसा कौन लगाएगा, कमाने का काम कौन कर रहा था यहाँ पे, टोटली ब्रिटिशर कर रहे थे। हम तो देख रहे थे हम खेती कर पा रहे थे, पिछली क्लास में हमने देखा था। तो खेती करने में भी जो आपके फार्मर्स थे वो तो फुल्ली क्या हो रहे थे, एक्सप्लॉइट हो रहे थे ना। तो कमाने वाला काम तो यहाँ पे बहुत ही कम लोग कर पा रहे थे। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हो गई कम, तो इसलिए हमारी इंडस्ट्री मॉडर्न इंडस्ट्री तो ग्रो ही नाम मात्र को कर रही थी। जिस चीज़ में हम अच्छे थे, जिस चीज़ में हम प्रोडक्शन कर पा रहे थे, आउटपुट कर पा रहे थे, इनकम जनरेट कर पा रहे थे, उसमें भी डीके की कमी आ रही थी। व्हाट वाज द रीज़न कि डीके हो रहा था, बहुत सारे रीज़न थे, एक एक करके रीज़न देखते हैं। सबसे पहला रीज़न था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब होता है भेदभाव से भरी। टैरिफ का मतलब है यहाँ पे क्या, टैक्स, ठीक है। तो टैक्स की जो पॉलिसीज थी, जो नीतियाँ थी टैक्स रिलेटेड, वो डिस्क्रिमिनेटरी थी। क्या चला कि ब्रिटिशर चलते थे कि ये लोग अपने फेवर में डिसीजन लेते थे और इंडियंस के अगेंस्ट डिसीजन लेते थे। अब इन्होंने क्या करा, जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे अगर इनको बाहर एक्सपोर्ट किया जाए उस पर इन्होंने टैक्स लगा लिया, प्लस अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। प्लस हम लोग यहाँ से बाहर कुछ भी सामान भेज रहे हैं तो उस पर ये लोग ड्यूटीज चार्ज करते थे, अपने सामान पर ये लोग ड्यूटी चार्ज नहीं करते थे। तो ये जो डुअल टैरिफ पॉलिसी थी, ये जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी, उसकी वजह से हमको जो था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को जो था कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ने लगी टैक्स की वजह से। ये भी एक रीज़न था जिस वजह से क्या होने लगी थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में डाउनफॉल आने लगी थी। पहले आप फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, पहले आप 100 रुपए थे आपके पास, आप 20 यूनिट्स बना लिया करते थे। अब इन्होंने टैक्स अगर बढ़ा दिया, ड्यूटीज अगर बढ़ा दी, तो अब 100 रुपए ही आपके पास, पैसे तो बढ़ ही रहे क्योंकि इनकम का तो कोई और सोर्स नहीं है। तो इस 100 रुपए में आप क्या करोगे, अब आप सिर्फ 15 यूनिट बना पाओगे। तो यहाँ पे आपकी क्या हुई, प्रोडक्शन कम हुई, और प्रोडक्शन कम होते ही अर्निंग कम हो जाएगी। ऑलराइट, उसके बाद है डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट। एज यू ऑल नो कि ब्रिटिशर धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे थे, प्रिंसली स्टेट, राजा, नवाब्स, ये सब धीरे धीरे बहुत कम हो चुके थे। ब्रिटिशर एक एक करके हमारे यहाँ सारे स्टेट पे कब्जा करते रहे और ब्रिटिशर ने अपने अकॉर्डिंग चीजें स्टैब्लिश करनी स्टार्ट कर दी। तो प्रिंसली स्टेट में जिन हैंडीक्राफ्ट चीजों की आप आज भी देखते हो ना, इतने मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीजें हैं, वहां पे हम लोग वर्क देखते हैं, कितना अच्छा वर्क था। तो सोचो जब राजा महाराजा होते होंगे तो वो कितने अच्छे से अपने किले और फोर्ट्स वगैरह को सजा के रखते होंगे। तो जो डिमांड, जो प्रिंसली स्टेट्स में चीजें रखी जाती थी, वो ब्रिटिशर ने आके वो सारी चीजें हटा दी। तो वहां पे भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट थे उनकी डिमांड कम हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। ब्रिटिशर को यहाँ पे टेस्ट समझ में आ गया, ब्रिटिशर को पता चल गया है कि मार्केट क्या चाहती है, यहाँ पे क्या डिमांड है, प्लस ब्रिटिशर्स को क्या चीजें चाहिए। तो वहां पे प्रोडक्शन करते थे अपने यहाँ,
ब्रिटेन में प्रोडक्शन करा, बाहर से प्रोडक्शन करवाया और यहाँ लाके अपनी चीजें एस्टैब्लिश कर दी। वहां पे वो लोग कोई चीज मशीन से बना रहे हैं, मशीन से चीज बना रहे हैं, तो मशीन से बनाने में वो चीज टाइम कम लेगी, टाइम कम लेगी तो पैसा कम लगेगा और वो यहाँ पे सस्ते रेट में लाके बेचेंगे। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, यही तो ब्रिटिशर कर रहे थे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमको मशीन मेड प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन था और हमारे पास तो मशीन की बात ही नहीं है, हम तो सिर्फ हैंडीक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। तो हैंडीक्राफ्ट और मशीन मेड की अगर कंपैरिजन करें तो हाथ से बनी चीज टाइम ज्यादा लेगी, महंगी बहुत पड़ेगी, वही मशीन मेड प्रोडक्ट जो है सस्ते में बन जाएगा और टाइम भी कम लेगा, तो वो यहाँ की मार्केट में सस्ते रेट में बिकेगा। तो लोग क्या प्रेफर करेंगे, लोग सस्ते में खरीदना प्रेफर करेंगे। दिस इज द थिंग। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड भी मैंने आपको बताया, प्रिंसली स्टेट धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। कौन लोग आ चुके थे, ब्रिटिशर आ चुके थे। तो ब्रिटिशर की जो डिमांड थी वो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस रखती थी, वो पुराने राजा और नवाब वाली चीजें नहीं चाहते थे अपने आसपास में। वो लोग जो डिमांड कर रहे थे वो कर रहे थे नए पैटर्न की, वेस्टर्न कल्चर की, जिसको यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फुलफिल नहीं कर पा रही थी। ऑलराइट, उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू रेलवे। अब रेलवे के आने से कैसे हैंडीक्राफ्ट कम हुआ, रेलवे के आने से एक क्या बन गया, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गया। ब्रिटिशर के लिए इधर से इधर ट्रैवल करना आसान हो गया, सहूलियत हो गई। अब बाहर पे यहाँ से ही हमारे इंडिया से कच्चा माल ले जाके बाहर चीजें रेडी करवाएंगे और वापस रेलवे के थ्रू यहाँ लाके मार्केट्स में उनको सस्ते रेट में बेचेंगे। तो रेलवे से भी प्लस अपने यहाँ पे रेडी करवाया हुआ सामान भी यहाँ लाके ये लोग बेच सकते हैं। तो रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन जो था वो बहुत ज्यादा ईज हो चुकी थी उस चीज में। तो दीज ऑल आर द रीजन जिस वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे डिके होती जा रही थी और इसका प्रोडक्शन जो था वो कम होता जा रहा था। ये हमें समझ में आ गया कि कैसे डिके हो रहा था हैंडीक्राफ्ट का, वीक ग्रोथ कैसे हो रही थी। तो इंडस्ट्री की सिचुएशन अच्छी नहीं है, इतना हमें समझ में आ रहा है। ये तो एग्रीकल्चर से भी ज्यादा खराब चीजें हैं यहाँ पे। अब ब्रिटिशर का ना इन चीजों के लिए टू फोल्ड मोटिव था। ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है कि टू फोल्ड मोटिव क्या था ब्रिटिशर का। तो आपको पता है हम लोग किस चीज में अच्छे हैं, हम लोग रॉ मटेरियल देने में अच्छे हैं, उसमें भी खैर ब्रिटिशर अपनी चलाकी से नुकसान ही करवा रहे थे हमें। बट क्या था, ब्रिटिशर क्या कर रहे थे, इंडिया की वेल्थ को एक्सप्लॉइट कर रहे थे रॉ मटेरियल और प्राइमरी प्रोडक्ट, क्योंकि हम सिर्फ दो ही क्या करते थे, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं बाहर। और मैंने भी आपको बताया वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल सस्ते में खरीद के बाहर ले जाते थे, बाहर ले गए वहां पे प्रोडक्शन करवाया, सारा प्रोडक्शन हुआ, यहाँ लाके हमारी मार्केट में वही चीज अपनी कॉस्ट पे कॉस्टली रेट्स पे बेची हमारी मार्केट में। ठीक है, ये चीज थी। प्लस बहुत सी अच्छी चीजें, हैंडीक्राफ्ट को कॉम्पिटिशन था तो मशीन मेड सस्ते में बेच रहे हैं, तो हमारी हैंडीक्राफ्ट पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म होती जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्लॉइट इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट। तो पोटेंशियल मार्केट की तो बात हम इतनी देर से कर ही रहे कि कैसे कर रहे थे। अभी मैंने बताया कि हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट वाली चीजें महंगी बिक पा रही हैं, ज्यादा टाइम ले रही हैं बनने में, वहीं लोगों की डिमांड को फटाफट से फुलफिल कर रहे हैं वहाँ पे मशीन से बना के और यहाँ पे सस्ते में बेच के। तो दोनों तरीके से ही हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दोनों तरीके से इंडिया के लिए ये चीजें नेगेटिव है और हम लोग नुकसान में जा रहे हैं। इसी चीज को हम लोग कहते हैं ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, कि इंडिया की, पहले आपने सुना होगा ना इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, ऐसे थोड़ी बोला जाता था, बहुत सी चीजें थी हमारे पास जिसे धीरे धीरे करके ब्रिटिशर ने एक्सप्लॉइट किया। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं इंडिया की जितनी भी वेल्थ थी, देखो कैसी ये पॉलिसीज बनाना इनके हाथ में था, क्योंकि तो पॉलिसी ऑब्वियस बात है अपने फेवर में बनाएंगे। तो इंडिया की पूरी वेल्थ को, इंडिया की पूरी वेल्थ ड्रेन हो रही थी, ड्रेन मतलब बह रही है सारी वेल्थ। और कहाँ जा रही है वेल्थ बह के, कहाँ जा रही है, ब्रिटेन में जा रही है, क्योंकि फायदा ये लोग अपना सोच के, अपना फायदा करने के लिए ये पॉलिसीज बना रहे थे। और ये बात किसने मेंशन की है, आपको पता, आपने नाम सुना होगा दादा भाई नौरोजी का। तो दादा भाई नौरोजी ने बुक भी लिखी है जिसमें उन्होंने क्या बताया है, इंडिया की वेल्थ के ड्रेन के बारे में पूरा एक्सप्लेन करा है। ऑलराइट, एग्रीकल्चर हम लोग देख चुके थे कैसे एक्सप्लॉयटेशन था, एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें थी। अभी हमने पूरा इंडस्ट्री देख लिया है कि इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम था। इससे ज्यादा कुछ भी इंडस्ट्री में है ही नहीं और इससे ज्यादा पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है दैट वाज व्हाट वाज द रीजन फॉर डिके इन हैंडीक्राफ्ट, ये बनता है। टू फोल्ड मोटिव क्या था, ये बनता है। दादा ये ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ से क्या मतलब है, यही चीजें मतलब है। और किसने ये थ्योरी प्रोपाउंड की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो इतनी चीजें आपको माइंड में रखनी है। ऑलराइट, तो भी इंडस्ट्री देख ली, अगली क्लास में हम इसका थर्ड पार्ट आगे कवर करेंगे। थैंक यू।